दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को लगा बड़ा झटका, उनके कप्तान बाबर आजम निकले गद्दार, अब होगी फांसी। जी हां दोस्तों, बाबर आजम ने पैसे लेकर करवाया था पाकिस्तान को मुकाबला। जी हां दोस्तों, मैच के बाद हुआ बड़ा खुलासा तो वहीं पाकिस्तान में मचा हाहाकार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी हार के बाद हुआ एशिया कप से बाहर। बताएंगे दोस्तों खबर की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटा बजाना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप सुपर फोर का मुकाबला खेला गया, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीत किया पहले गेंदबाजी करने का फैसला। जी हां दोस्तों, पहले गेंदबाजी करने उतरे पाकिस्तान टीम के गेंदबाजों की भारतीय बल्लेबाजों ने बूंदियां उड़ा दी। जी हां दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने दोनों ने आक्रामक खेलते हुए पहले विकेट के लिए 122 रन जोड़ दिए, जिसमें शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा ने अपना अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, भारत का पहला विकेट गिरा 121 पर तो वहीं दूसरा विकेट गिरा 123 रनों पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद नंबर 3 नंबर 4 पर बैटिंग करने उतरे भारत की तरफ से विराट कोहली और केएल राहुल ने पाकिस्तान गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और तीसरे विकेट के लिए 233 रनों की सहायता विकेट डाली। जी हां दोस्तों, जिसमें दोनों बैट्समैनों ने अपना अपना तुफानी शतक भी पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत भारत ने 50 ओवर में 356 रन जड़ दिए, जिसमें विराट कोहली ने खेली तूफानी 122 रनों की पारी तो वहीं केएल राहुल ने खेली 111 रनों की पारी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने झटके सर्वाधिक एक विकेट। दोस्तों 356 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत खराब रही और इमाम उल हक मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए, तो उसके बाद कप्तान बाबर आजम भी 10 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों इस तरह विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी रहा और पाकिस्तान की टीम 150 रन भी नहीं बना पाई और भारत ने 200+ रनों से जीत लिया सुपर फोर का मुकाबला और पॉइंट टेबल में पहला स्थान प्राप्त कर लिया। तो वहीं पाकिस्तान की इस हार के बाद पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया। दोस्तों पाकिस्तान की इस हार को पाकिस्तान में बाबर आजम को दोषी बताया जा रहा है।